अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब हैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल हैरियत से हूँ और माशाल्लाह से आज पांचवा रोज़ा जो है उसकी इफ्तारी मैं बना रही हूँ। इफ्तारी में मैंने बनाए हैं चिकन मैक्रोनी बनाई है, हल्की फुल्की सी मैंने बनाई है क्योंकि इफ्तारी में ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खानी होती। और इसके साथ जो है वो मैंने पकौड़े बनाए हैं और साथ में जो है वो मैंने एक फ्रूट का कस्टर्ड बनाया है और इस तरीके से मैंने ये डेकोरेट किया है फ्रूट्स इसमें अच्छा से डेकोरेट। बाद में मैंने इसको चॉकलेट से भी थोड़ा सा डेकोरेट किया था जब फ्रिज में जब निकाला था, तो ये इस तरह का ये बड़ा यमी सा जो है वो आपका फ्रूट कस्टर्ड बनता है। और यहाँ पे मैंने चाट बना ली थी और साथ साथ मैं अब्दुल्ला को भी देख रही थी, वो भी बाहर यहाँ पे किचन के बाहर जो है खेल रहा था। और मेरे पौधे भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इफ्तारी हमने कर ली थी। और इफ्तारी के फ़ौरन बाद तो मैं तो जो है चाय लाजमी पीती हूँ क्योंकि मैं सहरी में चाय नहीं पीती तो फिर पूरा दिन मुझे वेट होता है कि इफ्तारी के बाद मुझे सबसे पहले जिस चीज़ का वेट होता है, क्रेविंग होती है ना, वो चाय की होती है। और चाय अभी मैं नीचे अंकल को भी देने जा रही थी और जल्दी जल्दी मैं जाऊँगी क्योंकि बच्चे मेरे जो हैं वो ऊपर होते हैं केले, तो और इसलिए भी मैं जल्दी से अंकल को चाय दे के फिर वापस ऊपर जाऊंगी। और आज हमने सोचा है कि हम शॉपिंग के लिए भी जाते हैं और बच्चों को सुला के हम लोग जो है बाइक पे गए थे और वेदर भी बहुत अच्छा था और बच्चे भी सोए हुए थे। बच्चे साथ होना तो फिर बहुत तंग करते हैं और बहुत मुश्किल से शॉपिंग होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की शॉपिंग मैंने कर ली थी। ये छोटे के बेटे के लिए मैंने कपड़े लिए हैं और मुझे डांगरी सी बड़ी अच्छी लगी थी। एक उसका मैंने ये ड्रेस लिया था रेड कलर का, ये शॉर्ट है और रेड कलर की शर्ट है। और ये मैंने बाकी जो है 4 ड्रेसेस अब्दुल्ला के थे और 2 ड्रेसेस जो है गुलशेर के थे। गुलशेर के भी मैंने बाकी कपड़े लेने हैं, अभी जो ये मुझे पसंद आए थे मैंने ले लिए हैं क्योंकि लास्ट के डेज़ में ना बहुत ज़्यादा रश होता है बाज़ार में और मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता जाने का बाज़ार। मतलब ये तो कोई छोटी मोटी कोई चीज़ होगी, जूते वगैरह, वो फिर भी बंदा लास्ट डेज में ले लेता है, लेकिन कपड़ों को तो सोच समझ के साइज़ प्रॉपर देख के जो है लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं कपड़ों से बहुत सेटिस्फाई थी, मुझे जो है सब ड्रेस बहुत अच्छे लगे थे। आप लोगों को कैसे लगे आप लोग भी बताइएगा क्योंकि ये समर की ईद है और अप्रैल में जो है अच्छी खासी गर्मी होगी। मैंने उस हिसाब से जो है हाफ पाजो साथ जो है शॉर्ट्स लिए हैं, फुल स्लीव तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए। तो ये इस तरीके से ये मैंने, ये भी अब्दुल्ला का है, जो फर्स्ट 2 ड्रेसेस थे ना, जो फर्स्ट 2 ड्रेसेस थे वो गुलशेर के थे और जो लास्ट 4 थे वो अब्दुल्ला के थे। और ये मैं अपना जो है स्ट्रॉबेरी शेक वो मैंने सोचा था घर आके पीऊँगी, तो अभी जो है मैं इसको आराम सुकून से बैठ के इंजॉय करूँगी। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी जो शॉपिंग है ईद की बच्चों की वो अच्छी लगी होगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों से अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी अगर मैंने शॉपिंग की तो। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।